नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। दोस्तों, बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद से ही ममता बनर्जी बौखलाई हुई है और उनकी बौखलाहट का अंदाजा जय श्री राम के नारे से साफ दिखाई देता है। अभी जय श्री राम का मुद्दा शांत भी नहीं हुआ है कि उससे पहले ही ममता बनर्जी ने एक और ऐसी हरकत कर दी है जिससे साफ पता चलता है कि वो बीजेपी और मोदी की जीत से कितनी दुखी है। जी हाँ दोस्तों, जानेंगे पूरी खबर के बारे में। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पर लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और आपका शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और बीजेपी की लड़ाई तीखी हो गई है। अब दोनों के बीच में एक दूसरे के पार्टी दफ्तरों पर कब्जा करने की मारामारी शुरू हो गई है। उत्तर 24 परगना जिले में खुद ममता बनर्जी बीजेपी के दफ्तर का ताला तोड़ने पहुंची। तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी का दावा है कि ये उनका दफ्तर है जिस पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया था। दरअसल 30 मई को जब पीएम नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट के साथ दिल्ली में शपथ ले रहे थे, उसी समय बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में ममता बनर्जी धरने पर थी। नेहाटी में रैली को संबोधित करने के बाद ममता बीजेपी के दफ्तर पहुंची। उन्होंने अपने सामने ताला तोड़वाया। ममता के आदेश पर ऑफिसर ने भगवा रंग और कमल का निशान हटवाया। बीजेपी के दफ्तर पर कब्जा करने के बाद ममता ने अपने सामने ही सफेदी पुतवाई। इसके बाद ममता ने खुद दीवार पर अपनी पार्टी का चिन्ह पेंट किया और पार्टी का नाम भी लिखा। ममता का आरोप है कि टीएमसी के इस दफ्तर पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया था। अब ममता की अगुवाई में टीएमसी ने फिर इस दफ्तर पर अपना कब्जा जमा लिया है। बंगाल में जय श्री राम की राजनीति चल रही है। इसके तहत बीजेपी ममता बनर्जी को आक्रामक तरीके से घेरने में जुटी है। मौका भी उसे बैठे बिठा ही ममता बनर्जी ने ही दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, दीदी जय श्री राम के नारे पर फिर भड़क गई थी। इसके बाद से ही बीजेपी को उन्हें घेरने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ममता का कहना है कि जय श्री राम से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी इसका सियासी फायदा उठा रहे हैं। उधर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि मुझे नहीं लगता है कि ये सामान्य स्थिति है, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, नहीं तो एक जवाबदार मुख्यमंत्री के द्वारा इस प्रकार की हरकतों के लिए बहुत ही आश्चर्य की बात होती है। बता दें कि निहाटी में ममता के सामने कुछ लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाया था। ममता ने पुलिस को कार्रवाई करने का आदेश दिया था और इसमें आधा दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में भी लिया गया था। दोस्तों, ममता बनर्जी की इस हरकतों से यही लगता है कि बीजेपी की जीत से वो बौखलाई हुई है। ऐसे में देखना होगा कि ये मुद्दा कहां तक चलता है और ममता बनर्जी की बौखलाहट कब खत्म होगी, कब वो जय श्री राम के नारे पर चिढ़ना बंद करेंगे। दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पर लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की अपडेट मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।